Audio Jungle. Guys, welcome back to my new vlog. Good afternoon. आप सब कैसे हैं? आई होप सो सब अपने घर में अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे संडे को. आज संडे है और बहुत मज़ेदार दिन है क्योंकि आज हम लोगों का तो कोई संडे नहीं होता वैसे भी. बच्चों के लिए और बस इन सब के लिए संडे होता है जो ये लोग मस्ती मारते हैं, पर इनको देख के हम भी खुश हो जाते हैं और हम भी मस्ती मार लेते हैं काफ़ी इतना. और आज बच्चे कह रहे हैं कुछ हमको बनाकर खिलाओ, तो मैंने कहा क्या खाओगे, तो देखते हैं किचन में चलते हैं और आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ. टाइम से मैंने बनाई भी नहीं थी तो मैंने कहा सोचो चलो यही बना लेती हूँ. मैं लेमनी गार्लिक मेयो बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा यम और डिलीशियस होती है वो. हम उसको किसी की चीज़ के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ. आपको दिखाने वाली हूँ किस किस चीज़ के साथ हम खाएंगे उसको. और उसके बाद मैं बनाऊँगी सालसा, मैक्सिकन सालसा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी. चलते हैं, चलो बनाते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ किस किस सामान की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है. मेयोनेज़, गार्लिक, ब्लैक पेपर और लेमन और अपना ऑलिव ऑयल, बस इन्हीं चीज़ों की हमको ज़रूरत है. और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे बनाती हूँ. मैंने गार्लिक छील लिया है और अब इसको मैं कद्दूकस करने वाली हूँ. इसको अच्छे से पूरा कद्दूकस कर लेंगे सारे गार्लिक को, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ. मेरा गार्लिक, मेरा देखिए गाइस, मेरा गार्लिक डन हो चुका है, कद्दूकस कर लिया मैंने. अब मैं इसको निचोड़ूंगी और इसका जूस अलग कर लूँगी. देखिए इसका जूस निकल चुका है, गार्लिक, देखो गार्लिक जूस निकल लिया है, निकल गया है. और अब मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ. गार्लिक जूस में अब मैं डालने लगी हूँ अपने मेयो, काफ़ी है. अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना लेमन. देखिए इसमें अपन लेमन डालेंगे अब हम, और जो इसके बीज हैं वो हम निकाल लेंगे बाहर. ये बहुत ही टेस्टी डिप तैयार होती है, ये बहुत यम होती है. अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर बिल्कुल थोड़ा सा. यस, डन. इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं. अब इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, देख सकते हैं आप. इसको अच्छे से मैश कर लेंगे. इसके अंदर अब चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं हम. ये देखिए कितनी टेस्टी डिप तैयार हो चुकी है. इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरा हम अब बनाते हैं अपना सालसा, वो बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ. मैं सालसा बनाने के लिए चाहिए हमको चिली, गार्लिक, ऑनियन, टमाटो, कोरिएंडर और अपना ऑलिव ऑयल. चिली हमको मोटी वाली ही चाहिए होगी, जो ग्रीन चिली होगी वो मोटी ही अच्छी रहती है. बट अगर और अच्छे से वो बड़ी वाली मोटी वाली होती है डार्क ग्रीन कलर की, वो और बेस्ट रहती है. वो मुझे मिली नहीं इसीलिए मैं इसी को ऐड कर रही हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी, एकदम फ्रेश फ्लेवर लेकर आएगी. बहुत मज़ा आएगा इसको खा के. आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे बनाती हूँ. प्याज को, ग्रीन चिली को, टमेटो को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, बिल्कुल ही बारीक बारीक, जो कि अच्छे से उसको मतलब टेस्ट आए. देखिए मैंने ऑनियन को कट कर दिया है, देखिए कितना बारीक बारीक काटा है मैंने. गार्लिक को भी डन कर दिया है. और अब जो ग्रीन चिली है उसके बीज हमें निकालने हैं, बीज नहीं डालने हमने, तो हमें बीज निकालने पड़ेंगे और इसको भी बारीक बारीक हम इसको काट लेंगे. आप देख सकते हैं सब कुछ डन हो चुका है. और मैंने थोड़ा सा टमेटो रख दिया है, उसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, क्योंकि इसके अंदर एक अलग से फ्लेवर लेकर आएगा और जूसी बना लेकर आएगा. तो उसको मैं उसको पीस लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ. अब हम इन सब चीज़ों को बाउल में कर देते हैं. देखिए आप बाउल में कर दिया है. और जो मैंने टमाटो की थोड़ी मतलब थिक प्यूरी बनाई थी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल पेस्ट ही बनाया है. ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं. अब हम इसके अंदर अपना नमक और पेपर डालेंगे. ये देखिए डन है ये. अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन. ये देखिए लेमन डाल चुकी हूँ मैं. और अब मैं इसमें डालूँगी अपना ऑलिव ऑयल, सकते हैं आप. अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम. अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेकर आता है. अब इसको हम निकाल लेते हैं. मेयो डिप और मेरी
सालसा भी डन है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये, कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं, दिखाती हूँ किसके साथ। अभी अभी मिट्टू की भी डिमांड आ गई है, मिट्टू बोल रही है कि मुझे इसके साथ ओरियो शेक भी पीना है, तो वो भी बनाओ। तो चलो आपको आज ओरियो शेक भी दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ओरियो शेक तो वैसे बहुत सिंपल है, और चलो दिखाते हैं। देखिए आप, बिस्किट, मिल्क, आइस, शुगर, अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। पहले हम अपने बिस्किट को पीस के इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे। देखिए डन हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया एक स्पून, और अब हम अपना शेक तैयार करते हैं। आप मेरा थिक शेक तैयार है, अब इसको डालते हैं हम अपने ग्लास में। वाओ यम, देखिए आप कितना थिक है ये, देख सकते हैं आप। जो हमने बिस्किट का क्रश निकाल दिया था वो ये रहा, इसके अंदर हमने डाल दिया है, और अपनी चॉकलेट स्टिक्स लगाएंगे इसके। ओ यस, डन, हमारा शेक तैयार है। अब हम अपनी प्लेटिंग करते हैं, अपने रखते हैं ये सब चीज़ों को, और अपने रखते हैं नाचो। ये है चीज़ नाचोज, ये बहुत यम होते हैं। ये डन हो चुका है, और अपना शेक भी हम इसमें रख लेते हैं। यस, देखिए डन, ये कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, देख सकते हैं आप। टाना, अब मैं इसको मिट्टू को देती हूँ। ये तो मिट्टू खाने वाली है नहीं, यही और ये मिट्टू का है, ये इसके साथ मैं अपने नाचोस खाऊंगी। और इस डिप के साथ आप बच्चे को अपने रोटी पे भी स्प्रेड करके दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत यमी भी है, तो बच्चे इजीली रोटी इसको खा लेते हैं इसके साथ। चलते हैं मिट्टू के पास। मिट्टू ये लो, थैंक यू मम्मी। पकड़, चलो रखो। क्या लग रहा है? पीकर बता फिर कैसा लगा तेरे को। चलो चलो चलो, यमी, चलो एंजॉय करो। गाइज आप भी ये जरूर ट्राई करना अपने घर में, ये बहुत ज़्यादा यम है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बच्चे एंजॉय कर लें अब। हाय गाइज, गुड इवनिंग, मैं आई हुई हूँ बाहर बच्चों के साथ। बच्चों ने बोला था पिज्ज़ा खाना है, बहुत दिन हो गए। वैसे अभी इन्होंने हाल ही में जब हम डिनर करने आए थे तभी इन्होंने पिज्ज़ा खाया था, पर इन्होंने कहा कि पिज्ज़ा खाना है, चलो पिज्ज़ा खिलाने आप करते हैं। और मिट्टू कह रही कॉर्न पिज्ज़ा, ऑनियन पिज्ज़ा, खनू भी कॉर्न पिज्ज़ा कह रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आज संडे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं पिज्ज़ा के साथ। सुबह हमने बच्चों को डिप भी बहुत पसंद आई थी, अब हम पिज्ज़ा इन्जॉय कर रहे हैं, खाते हैं। बहुत मज़ा आया, आज का दिन अच्छा निकला। हाय फैमिली, मैं बस बना रही हूँ डिनर, और डिनर में बना रही हूँ आज मैं सूखे आलू। ये आलू बहुत ज़्यादा, अभी इसके अंदर मिर्चें डालनी है, मिर्ची नहीं डाली हुई है, ये बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं। बारीक बारीक आलू काट के बनाओ, मज़ेदार। और मुझे आपसे बात करनी थी, आप सबसे नहीं, जो जो मुझे जिन मुझे मेल भेजा है उनसे मुझे बात करनी है। मुझे आपसे ये कहना है, आप कमेंट कर रहे हैं कि क्या नाम है, आप बच्चों को लेके आ जाती हैं व्लॉग में, हैं तो मुझे ये बोलना है, बच्चे लेके आ रही हूँ तो ये बच्चे मेरे ही तो हैं, तभी तो मैं इन्हें व्लॉग पे लेकर आ रही हूँ, किसी और के बच्चे थोड़ी हैं ये। मेरे दो बच्चे हैं, आपको मैंने पहले भी, अगर आप मेरे सारे व्लॉग्स देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी मेरी बड़ी है, बेटा मेरा छोटा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आप ये दो बच्चे कहाँ से लेके आ जाते हो व्लॉग में। तो इसीलिए मुझे आपको ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ, आपको बता चुकी हूँ मैं मैरिड हूँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी है। और बाकी जो आपको अदर बच्चे दिखते हैं, अब हम कहीं जाएंगे तो वहाँ बच्चे होंगे ना, जाहिर सी बात है। अब मैं उस दिन मम्मी की गई थी तो मेरी सिस्टर के बच्चे आए हुए थे, तो वो दो बच्चे वहाँ पे थे। उससे पहले राखी पे आपने बच्चे देखे होंगे, तो मैं इन लॉस के घर गई थी, उनके दो बच्चे हैं। तो अब अपने घर में आते हैं, एक दो बच्चे आपको दिखे होंगे, तो आसपास के बच्चे हैं यार, दिखते हैं, कॉमन सी बात है, इतनी कॉमन सेंस आप में भी होनी चाहिए। ये वही बच्चे हैं, बाकी मेरे दो बच्चे हैं, बेटा और बेटी। आपसे बात करते करते देखिए मेरी सब्जी भी बस तैयार होने लगी है, इसके अंदर बस लाल मिर्चें डालनी है मैंने, सब्जी डन है क्योंकि इसमें अभी बच्चों की सब्जी निकालनी है। ये सब्जी जब मैं बनाती हूँ तो लाल मिर्च मैं एंड में ही डालती हूँ, तो ही मज़ा आता है, बाकी इसको वैसे पकाती हूँ मैं। और हाय फैमिली,
खाना वाना सब हो चुका है और आज जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर करी थी, आई होप आपको वो पसंद आई होगी। आप उसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताने वाली हूँ और लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक़ है और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ ही क्यों ना शेयर करी जाए अपनी रेसिपीज़। तो मैं आपके साथ सब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और अपने फेस के रिगार्डिंग जो जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट, टिल टुमारो, बाय बाय।